You want to double your money? Yes, that's why you are here. So today we are talking about Formula 72. 72 kya hai? 72 is a magic number that will tell you about how much time it will take to double your money. तो आपका पैसा कितने टाइम में डबल होने वाला है ये अपने को कौन बताने वाला है? फॉर्मूला 72 बताने वाला है. तो कैसे ये पैसा हमारा डबल हो जाएगा, कितने टाइम में डबल होगा और कैसे इस फॉर्मूला 72 को समझना है. तो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट लेक्चर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस दैट विल टेल अस अबाउट कि भाई पैसा कब कैसे और कितने टाइम में क्या होने वाला है, डबल होने वाला है. तो एज वी सेड 72 इज अ मैजिक नंबर और हमने स्कूल लाइफ के अंदर दो चीज़ों के बारे में पढ़ा है क्या. फर्स्ट लाइक पहला चीज़ जो हमने पढ़ा वो पढ़ा क्या कि सिंपल इंटरेस्ट. सेकेंड चीज़ अपने ने पढ़ा क्या, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज भी. और अपन को जो यहाँ फोकस करना है वो किस पे कर रहे हैं, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट. फॉर एग्जांपल अभी आप लोग हो एफडी कराते हो, आपने बैंक में क्या कराया, अपना फिक्स डिपॉजिट कराया और फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है, यू आर गेटिंग 6%. तो आपको 6% क्या मिल रहा है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न मिल रहा है. तो अब आप अगर 6% कंपाउंडिंगली एफडी में रिटर्न पा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा आपका पैसा क्या होने में, डबल होने में. सिंपली व्हाट यू हैव टू डू, 72 डिवाइडेड बाय 6. तो इट विल टेक 12 इयर्स टू डबल योर मनी इन केस ऑफ एफडी. बट इफ यू पुट द सेम मनी इनटू बॉन्ड्स, जब भी हम पैसा अपना बॉन्ड्स में लगाते हैं और मैं बोलता हूँ अ बॉन्ड विच इज गिविंग अस 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो अगर मैं 9% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कमाऊंगा तो देन हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डबल माई मनी. तो द सेम थिंग आई विल डू, 72 डिवाइडेड बाई 9. तो इट विल टेक अगेन 8 ईयर्स टू डबल माई मनी. बट जब भी हम बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं तो बॉन्ड्स के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड होते हैं वो भी उसी के साथ आपके आ जाते हैं. बिकॉज इफ यू गो फॉर अ हायर रिटर्न द रिस्क लेवल इज ऑटोमेटिकली गोज अप. तो अभी वी आर यूथ, अगर आप यूथ है तो एवरीबडी वॉन्ट टू डबल देयर मनी एज अर्ली एज पॉसिबल. लाइक अभी मुझे भाई अपना पैसा जल्दी से डबल, मतलब जितना जल्दी डबल होगा उतना ही बढ़िया है ना. और यूथ है तो रिस्क टेकिंग पावर ऑटोमेटिकली उसके साथ आ ही जाती है. तो मैं बोलता हूँ क्या, अब मुझे 9% से ज़्यादा इंटरेस्ट चाहिए, वेयर विल आई गो, आई विल लुक फॉर सम गुड म्यूचुअल फंड्स, आई विल लुक फॉर सम डायरेक्ट इक्विटी और आई विल स्टार्ट डूइंग माई बिजनेस एज वेल, कि मैं एक बिजनेस भी कर सकता हूँ. तो अगर मैं बोलता हूँ क्या, मैं पैसा म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ और एक अच्छे म्यूचुअल फंड में लगाता हूँ वेयर आई कैन गेट ईजिली 12% रिटर्न. तो अगर मुझे एक म्यूचुअल फंड के अंदर 12% रिटर्न मिल रहा है तो व्हाट विल आई डू, 72 डिवाइडेड बाई 12, तो पैसा मेरा कितने साल में म्यूचुअल फंड में डबल हो जाएगा, इट विल ऑलमोस्ट टेक 6 ईयर्स टू डबल माई मनी. तो अगर मेरा पैसा 6 साल के अंदर डबल हो रहा है एंड आई एम फीलिंग कंफर्टेबल, तो मैं क्या करूँगा, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाऊंगा और अगले 6 साल में क्या करूँगा, अपना पैसा डबल कर दूंगा. देन मैं बोलता हूँ क्या, आई वॉन्ट टू टेक मोर रिस्क, आई वॉन्ट टू डबल माई मनी एज अर्ली एज पॉसिबल. तो मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्ट इक्विटी में जाऊँ, इवन आई कैन गो फॉर द ट्रेडिंग पार्ट, बट मेरा जो फोकस है वो कितना है, अपने को कितना कमाना है, 24%, अपने को कितना कमाना है, 24% कमाना है और अपने को एवरी 3 ईयर्स में अपना पैसा क्या करना है, डबल करना है. तो मैं बोलता हूँ क्या, 72 डिवाइडेड बाई 24, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हर साल में कितना रिटर्न कमाऊँ, 24% CAGR, वेदर बाय ट्रेडिंग, वेदर बाय इन्वेस्टिंग, एनीथिंग. तो अगर मैं 24% से अपना पैसा CAGR से कमाता हूँ तो हाउ मच टाइम इट विल टेक टू डबल माई मनी, इट ऑलमोस्ट टेक 3 ईयर्स टू डबल योर मनी. तो आई एम आस्किंग यू कि व्हाट इज योर एज, योर एज मे बी 20, 30, 40, 50, 60 एज वेल, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू मैं अभी समझ रहा हूँ कि जो आपका एज है दैट इज 25, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ और 25 मैंने आपका एज्यूम कर लिया कि आपका एज है. एंड एट द एज ऑफ 25 आपको क्या करना है, 10 लाख रुपए से स्टार्ट करना है कि आपका जो आज इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग अमाउंट है दैट इज 10 लाख रुपीज. तो आज आपने कितने से स्टार्ट किया, 10 लाख से किया और सिर्फ आपका टारगेट क्या है, एवरी ईयर यू हैव टू कंपाउंड बाय 24% CAGR. क्लियर है? तो 24% CAGR आपका कमाना है, ये आपका फोकस है. तो अब 10 लाख से आप स्टार्ट करते हो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट योर रिटायरमेंट. क्लियर? तो मैं बोलता हूँ क्या, यहाँ से अगले 30 साल आप लोग क्या करने वाले हो, कमाने वाले हो. तो आपका जो टाइमलाइन हो गया, एज टाइमलाइन फ्रॉम 25 ईयर्स टू 55 ईयर्स, तो मतलब
25 to 55, 30 years आप क्या कर रहे हो, कंपाउंडिंग भी लगा रहे हो, और मैं बोलता हूँ 30 years और आपका पैसा कितनी बार डबल हो रहा है, दैट इज अगर मैं बोलूँ तो मैं बोलता हूँ कि आपका पैसा हर 3 साल में डबल हो रहा है, और पूरी जिंदगी में आप कितनी बार पैसा डबल कर पा रहे हो, एट ऑलमोस्ट टेक कितना 10 times यू आर डबलिंग योर मनी, 30 divided by 3, तो आपका पैसा कितनी बार डबल होगा, वो होगा आपका सिर्फ 10 times. तो अब मैं बोलता हूँ 55 के